मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकार साथियों और उनके परिवार के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय हाल ही में लिया है। बताया जा रहा है कि प्रदेश की मीडिया के साथियों का कोरोना का इलाज सरकार कराएगी। मीडिया के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल के सभी सदस्य, अधिमान्य और गैर अधिमान्य साथियों का कोरोना के इलाज की चिंता अब सरकार करेगी। इस योजना में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल के संपादकीय विभाग में काम कर रहे सभी पत्रकार, डेस्क में पदस्थ पत्रकार साथी, कैमरामैन, फोटोग्राफर सभी को कवर किया जाएगा। मीडिया के साथियों के परिवार के कोरोना इलाज की चिंता भी सरकार करेगी। सभी मीडिया के साथी कोरोना महामारी के काल में जन जागृति का धर्म निभा रहे हैं। मध्य प्रदेश में अधिमान्य और गैर अधिमान्य पत्रकार साथियों को पहले से ही पत्रकार बीमा योजना अंतर्गत इलाज की व्यवस्था की गई है। पत्रकार कल्याण योजना द्वारा सहायता दी जा रही है। शासकीय अस्पताल, अनुबंधित निजी अस्पताल में सभी के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा भी है। प्रदेश भर के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के संपादकीय विभाग में सभी मीडियाकर्मी, अधिमान्य या गैर अधिमान्य और उनके परिवार को कोविड का उपचार सरकार कराएगी, ताकि पत्रकार साथी अपना और अपने परिवार का कोविड के संक्रमण होने पर आसानी से इलाज करवा सके। कोरोना संक्रमण के इस विकट संकट में हमारे मीडिया के मित्र, पत्रकार साथी दिन और रात अपने कर्तव्य का निर्वाह पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ कर रहे हैं। हमने ये देखा कि जनता तक जानकारियां पहुंचाते पहुंचाते, अपने पत्रकारिता के धर्म का निर्वाह करते करते कई हमारे पत्रकार साथी भी संक्रमित हुए और कुछ का दुखद स्वर्गवास भी हो गया। इस समय जरूरी है कि ऐसे सभी मित्रों का जो कोविड की बीमारी से संक्रमित होते हैं उनका इलाज ठीक ढंग से हो जाए। मध्य प्रदेश में अधिमान्य और गैर अधिमान्य पत्रकार साथियों के पहले से ही पत्रकार बीमा योजना के अंतर्गत इलाज की व्यवस्था है। पत्रकार कल्याण योजना में भी उनको सहायता दी जा रही है। शासकीय अस्पताल और अनुबंधित अस्पतालों में भी इलाज की सुविधा है। आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मीडिया के संपादकीय विभाग के सभी मीडिया कर्मी, अधिमान्य हो या गैर अधिमान्य हो, और उनके परिवार का यदि कोई भी सदस्य कोविड की बीमारी से पीड़ित होगा तो मध्य प्रदेश सरकार उनको उनके हाल पे नहीं छोड़ेगी, उनका पूरा इलाज करवाया जाएगा ताकि वो अपने कर्तव्य का निर्वाह भी कर सकें और अगर कोविड से वो या परिवार का कोई सदस्य पीड़ित होता है तो उनका बेहतर इलाज किया जा सके। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।